गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तनवी फॉर्म एवरेस्ट क्लासेस। आज 23 फरवरी 2018 के हिंदी ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हो। ये पूरे लेक्चर हम लोगों ने एसएससी बैंक पीओ क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन को फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, और इसमें जो है हम लोगों ने टूटे पूरे लेक्चर को जो है वो चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है वोकैबुलरी, हिंदी ट्यूटोरियल से लिए जाते हैं, एंड द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन विद 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हिंदी ट्यूटोरियल के ही हैं। 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एसे राइटिंग विच कम्स अंडर द राइटिंग सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा हिंदू वोकैब्स, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो इसमें हम लोग जो है हिंदू एडिटोरियल जो कि आज के ही हैं उनमें से हम लोग वर्ड्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, उनके मीनिंग सिनोम्स एंटीनोम्स विथ एग्जांपल हम लोग जो है वो देते हैं, ताकि आपको जब उस एडिटोरियल को इस वोकैब्स को पढ़ने के बाद जब आप उस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो आप ईजिली उसे समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड आज जो हमारे साथ है वो है नियोनेटल, मीन्स नवजात शिशु संबंधी। ये एक एडजेक्टिव है एंड द मीनिंग इज रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ, एंड द सिनोम्स आर बेब, इन्फेंट, किड, न्यूबॉर्न, निपर, नर्सलिंग, एंड द एंटोनोम्स आर अडल्ट, एंड द एग्जाम्पल इज दिस हैज इनेबल मेनी पीपल विथ नियोनेटल डायबिटिक्स टू स्विच टू अ बेटर फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। सेकेंड वन इज कॉन्स्ट्रेंट, मीन्स असहजता, किस चीज़ पे आप प्रतिबंध लग जाता है फिर आप असहज हो जाते हैं, उस चीज़ को करने में थोड़े से प्रेशराइज हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ये एक नाउन है एंड द मीनिंग इज द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली कॉन्स्ट्रेंट, एंड द सिनोम्स आर प्रेसर्स, रेस्ट्रेंट, कॉर्सियन, कंपल्सन, एंड द एंटीनोम्स आर डिटरेंट, डिसइनकरेजमेंट, फ्रीडम, हिंड्रेंस, एंड एग्जाम्पल इज वन बीग constraint is that Europe is in a straitjacket of its own making. Coming to the next word, that is mortality, means nashwarta ya fir mrityu sankhya. Jab aap dekhenge ki जो आपके मृत्यु रेट जो होते हैं, मृत्यु संख्या जो होती हैं दर, उन्हीं को हम लोग मॉर्टेलिटी बोलते हैं। ये एक नाउन है एंड द मीनिंग इज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग मोर्टल, एंड द सिनोम्स आर फर्टिलिटी, ब्लड सेड, कार्नेज, डेडलीनेस, एंड द एंटोनोम्स आर एनिमल लाइफ, बर्थ, इमॉर्टेलिटी, एंड द एग्जाम्पल इज ही कर्स्ड मैन विद द मॉर्टेलिटी एंड थस द लाइफ दिस साइकिल बिगेन ऑन द अर्थ, एंड द फोर्थ वन इज क्रिटिकल, मीन्स समीक्षात्मक, संकट में। आप देखेंगे कभी कभी जो ऐसा सिचुएशन आता है जब हम लोग जो है उसे टैकल करने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, आप कह सकते हैं कि उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा एरर और जो होते हैं समीक्षा करने के लिए जो होते हैं वो वैसे सिचुएशंस होते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे हम लोग क्रिटिकल बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू फाइंड एंड कॉल अटेंशन टू एरर एंड फ्लॉज, एंड द सिनोम्स आर डिमांडिंग, एनालिटिकल, एंड belittling, and the antinoma complimentary, laudatory, and praising, and the example is the checking of the critical control points is satisfactory. Coming to the next one, that is vulnerable, means kamjor, asurakshit. Ye adjective hai and the meaning is susceptible to attack, and the synonyms are accessible, defenseless, and exposed, and the antinom is guarded and protected, and the example is it has allowed scammers to trip off vulnerable visitors, and the sixth one is staggering, means chaka dene wala, surprisingly, and the noun and the meaning is so surprisingly impressive as to stun or overwhelm, and the synonyms are astonishing, astounding, stupefying, and the example is to be sure the scale of the state government rebuilding project was staggering. सेवेंथ वन इज डिसइनफेक्टेंट्स, मीन्स कीटाणु नाशक। जब आप देखते हैं कि कभी कभी हम लोग को उन्स वगैरह हो जाता है या फिर बैक्टीरियाज वगैरह फैलने लगते हैं, तो उनके लिए जो है हम लोग जो है हम लोग जो है वो इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ केमिकल्स या फिर दवा यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिसइनफेक्टेंट्स, एंड ये एक नाउन एंड द मीनिंग इज एन एजेंट दैट फ्रीज फ्रॉम इन्फेक्शन, एंड द सिनोम्स आर डिटर्जेंट, एंटीनोम्स आर एक्स्ट्रानियस एंड फॉरेन एंड सेप्टिक, and the example is using more powerful disinfectants than usual to eradicate the bug,
एंड द एट्थ वन इज सेप्सिस, मीन्स स्फूति, आप पस भी बोल सकते हैं, घाव वगैरह जब होती हैं तो उसमें से देखेंगे बैक्टीरिया फॉर्म करने के लिए व्हाइट कलर की जो चीज़ें होती हैं, निकलती, फ्लूड निकलती हैं, उन्हें हम लोग सेप्सिस बोलते हैं. एंड द मीनिंग इज द प्रेजेंस ऑफ पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स इन द ब्लड और टिश्यूज. एंड द सिनोम्स आर सेप्टिसेमिया, इन्फेक्शन एंड एलर्जी. एंड द एंटीनोम्स आर लीगलिटी, इनकरप्टनेस, गुड हेल्थ. एंड एग्जाम्पल इज इन द वर्क टेस्ट फॉर किडनी इंजरी एंड सेप्सिस एंड अ हार्ट अटैक डायग्नोस्टिक टेस्ट. नाइन्थ वन इज प्री मैच, मिस असामयिक. ये एक समय से पहले अगर कोई घटना हो जाती है या फिर किसी समय से पहले कोई काम होता है उसे हम लोग प्री मैच्योर बोलते हैं. एंड द मीनिंग इज बॉर्न आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड ऑफ लेस दैन द नॉर्मल टाइम. एंड द सिनोम्स आर अर्ली, अनटिमली, अनटाइमली. एंड द एंटोनोम्स आर लेट, मिडिल. एंड एग्जाम्पल इज रिलैक्स एंड बी पॉजिटिव, प्री मैच्योर इजैकुलेशन इज एज मच अ फिजिकल इशू एज अ मेंटल वन. एंड द लास्ट वन इज इंसर्टिंग, मीन्स बीमा करना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को सर्टेनली उसे हैपन करना, उसे हम लोग बोलते हैं इंश्योरिंग. या फिर आप बोल सकते हैं सुनिश्चित करना. एक द मीनिंग इज मेक सर्टेन ऑफ एंड द सिनोम्स आर सी, चेक, इंश्योर. एंड द एंटोनिम इज इन डेंजर, हार्म, हर्ट. एंड द एग्जाम्पल इज ऑफ इंश्योरिंग एवरी वन हैड 3 meals अ डे. एंड द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज अवर हिंदू एडिटोरियल सेक्शन. आज जो एडिटोरियल हमारा वो इंडिया को फोकस किया गया है, इंडिया में जो न्यू बॉर्न मॉर्टेलिटी रेट है उसे फोकस किया गया है, जिसे हम लोग न्यू नैटल बोलते हैं. यानी कि एक जो है यूनिसेफ के द्वारा जो है एक रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है कि भारत में जो 1 महीने से कम बच्चों का जो मृत्यु दर है वो आपके जो है बहुत ज़्यादा है एज रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज, अदर गुड इकोनॉमिकल गुड स्टेबल कंट्रीज. आप देखेंगे कि जिसके लिए एक तो एडिटोरियल में बताया गया है, ये एक होप भी है और एक ये जो है शर्म की, सेम की भी बात है, शर्म की भी बात है कि इस तरह के जो रैंकिंग है इंडिया की वो देखने को दिख रही है. अगर बात करें यूनिसेफ के रैंक में, आप इंडिया जो है वो बहुत ही पीछे दिख रहा है बांग्लादेश, नेपाल, रवांडा जैसे कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में, इस न्योरिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट के रिगार्डिंग. आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल एवरी चाइल्ड लाइफ विल एवरेज न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी इन लो इनकम. लो इनकम जहाँ पे है वहाँ तो आपके एवरेज है, लेकिन जो हाई इनकम, जो फॉरवर्ड कंट्रीज़ हैं, जो अच्छे इकोनॉमिकल कंडीशंस है, वहाँ भी इसके कंट्री रेट जो है बहुत ही पुअरर है. एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं श्रीलंका, यूक्रेन जो है वो विच लाइक इंडिया आर कैटेगराइज एट लोअर मिडिल. श्रीलंका, यूक्रेन जो है इंडिया की तरह जो है वो लोअर मिडिल इनकम, कैटेगराइज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स. यहाँ भी अराउंड जो आपके मॉर्टेलिटी रेट है वो 5 per 1000 है, 2016 की रिपोर्ट है. अगर वहीं कंपैरिजन करें यूएसए, जो कि हाई इनकम इकोनॉमी है वहाँ की, वहाँ पे जो उसका रेट है वो 3.7 per 1000 है. वहीं अगर मीनवाइल रवांडा में देखेंगे तो वो सबसे लोएस्ट इनकम ग्रुप में आता है और उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो आपका $1,005 है, जबकि वहाँ की मॉर्टेलिटी रेट जो 41 per 1000 है इन 1990s. और 16.5 थ्रू प्रोग्राम्स टारगेटेड एट द पुअर एंड वल्नरेबल मदर्स. यानी कि आप देखेंगे कि इंडिया कंडीशन कहीं ना कहीं रूप से, आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जैसे मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज़ की बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो जो आपके मिडिल कंट्रीज जहाँ पे इनकम्स हैं, जीडीपी हैं, आपके अच्छे खासे इकोनॉमिकल आप स्ट्रांग हैं, वहाँ पे अगर इस तरह के इस मॉर्टेलिटी रेट को देखा जाए, न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी को देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है. और इस सर्वे के बाद जो है होपफुली बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि आप अगर इंडिया को देखेंगे 31st हाईएस्ट न्यूबॉर्न मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया में, और 25.4 डेथ जो होता है पर थाउजेंड के 2016 के रिपोर्ट में वो 25.4 डेथ जो है पर थाउजेंड देखा दर्ज की गई है, जो कि जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है. अगर आप देखेंगे बहुत सारे, अगर आप देखेंगे क्या क्या कमी, अप्रॉक्स आप अगर नंबर्स फिगर्स की बात करें तो 640,000 बेबीज़ जो है वो 2016 में जो है वो इंडिया में जो है वो उनकी डेथ हुई है.
अगर आप बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि और उनका जो आपका सॉल्यूशंस हैं इस मृत्यु दर को रोकने की, यानी कि 1 महीने से कम के बच्चे, यानी ये जब जन्म लेते हैं उनके 1 महीने के अंतर्गत इतने बच्चे जो हैं वो डेथ कर जाते हैं, अगर उन्हें अगर रोकने की कोशिश की जाए तो सिर्फ पॉलिटिकल विल से ही ये हो सकता है। जो इकोनॉमिकली जो हैं वो हम लोग उतने स्टेबल हैं कि हम लोग उनको बचा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो फॉलो करके जो है इनकरेज कर सकते हैं हम लोग, और इस चीज़ को हम लोग कम कर सकते हैं, एटलीस्ट कम कर सकते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताई गई है वो है हॉस्पिटल्स में आप जो हैं वो वॉर्म पीस ऑफ क्लॉथ अवेलेबल करवाने हर एक बच्चे के लिए जो जन्म लेते हैं, ताकि वो जो है ठंड से ना मर पाए। आप प्लस मदर्स को, जो माताएँ होती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी आप इनकरेज करें, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो बच्चे के लिए वो अमृत का काम करती है, और बहुत सारे कारण होती हैं जहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो माँ का दूध जो होता है वो ले नहीं पाते। और जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी उनको मिलेंगी जिनसे उनको सेप्सिस या फिर मैग्नेटिस जैसे बीमारियां से वो बच सकते हैं, जिनके ऊपर जो है उनकी डेथ होती है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों की डेथ जो होती है वो घुटन से होती है, एस्फेशिया से होती है, तो बर्थ के दौरान, तो वो प्री मेच्योर बच्चे का जब जन्म होता है, तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स और प्लस जो आपकी मिडवाइफ्स होती हैं उनको ट्रेन करने होंगे, हॉस्पिटल को इसके लिए प्रिपेयर्ड करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग जो हैं इस रेट में हम लोग जो हैं वो रेट जो है उसको कम कर सकते हैं। आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनमें से एक प्रोग्राम है जननी सुरक्षा योजना, जो कि अभी चल रहे हैं इंडिया में, और आई थिंक ये जो है पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक्सपैंड हो चुका है और लार्जर स्टेट्स में एक्सपैंड हो चुका है। इसमें वो इसके लिए जो है लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, हेल्थ केयर सिस्टम्स जैसे चीज़ों पे फोकस करने होंगे गवर्नमेंट को, और तभी जाके इससे हम लोग जो है वो बाहर आ सकते हैं। आप देखेंगे कि स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु जो है अगर इन यहाँ पे फोकस करते हैं तो वहाँ पे जो है वो फ्यूअर हम लोग जो है 15 के अप्रॉक्स किया जा रहा है कि वो 15 per 1000 के 15 per 1000 के रेट में हम लोग जो हैं वो आ सकते हैं, जो कि एक ये तो इतनी जल्दी इफ़ेक्टिव नहीं होने वाली, लेकिन एक अच्छे कंडीशन में हम लोग जो हैं वो आ सकते हैं। और जी हमारे ये सिंफुल जो वर्ड हमारे लिए लगा है उससे हम लोग जो हैं कम से कम थोड़े नहीं तो उसे जो है कम कर सकते हैं या फिर अबॉलिश भी कर सकते हैं होपफुली, जो कि एक होप के रूप में भी ये जो रिपोर्ट सामने आई है। ये तो है हमारा हिंदू रिटोल का सेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि इंग्लिश कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सेक्शन है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्स्टेंट, एंड द ऑप्शंस आर ए डेटरेंट, बी डिस्करेजमेंट, सी प्रेसर्स एंड डी फ्रीडम, एंड द करेक्ट आंसर इज सी प्रेसर्स। And the second one is, in the following question, out of the four alternative, choose the word which is opposite in the meaning to the given word sepsis, and the options is A, septicemia, B, allergy, C, infection, D, legality, and the options correct answer is D, legality. Third one is, in the following question, out of the four alternative, choose the word which is similar in the meaning to the given word disinfectants, and the options are A, detergent, B, extraneous, C, septic, D, foreign, and the correct answer is A, detergent. Fourth one is, the sentences given with the blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question, and the question is, it's time for the rest of India dash follow suit, and the options are A, off, B, to, C, on, D, with, and the correct answer is B, to. Coming to the fifth one, this is last one. The sentences given with the blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question, and the question is, the biggest cause of death is premature birth, while the second dash complication like asphyxia during delivery. Options are A, R, B, was, option C, were, option D, is, and the correct answer is option D, is. The second section is, next section is idioms and phrases section, and the first idiom and phrase that we have today is to huff and puff. मीन्स टू ब्रीद हैवली। आप जब थके दौड़ते हैं कहीं पे, अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं तो आप टोटली थक जाते हैं, उस समय जो आपकी ब्रीदिंग स्पीड्स होती हैं उन्हें हम लोग टू हफ एंड पफ बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल इज, ही वॉज हफिंग एंड पफिंग वेन ही रीच द स्कूल रनिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज टू पुल समवनस लेग, मीन्स किसी का जो मजाक बनाना बोलते हैं, टू मेक फन ऑफ समबडी। एंड एग्जाम्पल इज, आई हैव वॉर्न्ड हिम ऑफ पुलिंग माई लेग। थर्ड वन इज टू पुल नो पंचेस, मीन्स नॉट टू सॉफ्टन वंस क्रिटिसिज्म इन एनी वे, किसी का एक क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं करना। राम बाबू पुल नो पंचेस एंड ह्यूमिलेटेड हर। फोर्थ वन इज टू पुल वंस पंचेस, मीन्स टू अटैक लेस विगरसली देन वन इज एबल टू।
And the example is, he pulls his punches even when his enemy attacks him. Fifth one is born in purple. Means आप royal family में जब born करते हैं उन्हें हम लोग born in purple बोलते हैं. And the example is she is born in purple. And the last section है, that is our writing section. And the आज today's essay topic is UNICEF. आप देखेंगे UNICEF किस तरह से काम कर रही है. UNICEF basically children के लिए काम करती है, उनके welfare के लिए काम करती है. तो आप please UNICEF को देखें, उनके बारे में जरूर पढ़ें और लिखें और जानकारी हासिल करें और हमारे comment box में जरूर डालें. अगर आप इस तरह के इनिशिएट करते हैं, कोशिश करते हैं लिखने की, तो उससे आपके राइटिंग स्किल भी डेवलप होंगे, प्लस जीडी और इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन में आपको फेस करने में आपके पास कंटेंट रहेंगे, आप इजी वे में उन्हें फेस कर पाओगे, आप जो है उनको अटेम्प्ट कर पाओगे. इस लेक्चर के दौरान जो एडिटोरियल आपके स्क्रीन पर आते हैं प्लीज़ उसे रीड लाउड करें, जिससे आपके प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे. 7 days free demo classes are available for SSC and bank classes, and our classes timing is 8 a.m. to 10 a.m. For this demo classes you may contact us on Everest classes opposite AIN College Boring Road Patna, Everest classes opposite AIN College Boring Road Patna, and you may also ring on us 7279845076, 7279845076 and 7004154803, 7004154803. Thank you for watching this video. Please subscribe to Everest classes for latest update. Thank you.